सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.13 के क्वेश्चन नंबर 21 to 26 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन 21 है। तो गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देखिए अब हमने क्या किया इसमें क्वेश्चन में कि नीचे वाले पार्ट से, आपका नीचे वाला पार्ट यही ना है, नीचे वाले पार्ट से हमने इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड देके अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया है इसको। तो देखिए नीचे वाला पार्ट से हमने पहले एक में डिवाइड दिया है, तो देखिए एक में डिवाइड दिए, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया। सेकेंड पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में भी हमने इतना से डिवाइड दिया है, तो देखिए इसका सेपरेट इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेशन आई इक्वल इतना, तो देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स कटेगा आपका, तो ऊपर बचेगा सिर्फ एक्स, तो हमने लिख दिया एक्स और अपॉन 1 - 2x, ये एक्स तो कट गया आपका, ऊपर बचा आपका एक्स, ठीक है, और 1 - 2x dx इतना। अब हमने क्या किया है, अब ये इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए सबसे पहले इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने मान लिया 1 upon x into 1 - 2x = a upon x, दो फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर के लिए और सेकेंड फैक्टर के लिए b upon 1 - 2x, ठीक है। अब जानते हैं प्रोसेस, देखिए अब हम क्या किया इसका एलसीएम लिए हैं इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम लेकर हम क्या किए हैं, देखिए एलसीएम लेने के लिए आपको इसमें ए में इसमें ऊपर कीजिए, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, और नीचे में डिनोमिनेटर यानी एलसीएम के रूप में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक है। तब देखिए ये पार्ट आपका, ये पार्ट इक्वल था कट गया, तो आपको बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर बचा a into 1 - 2x + bx, इतना बच गया। ध्यान रखिए हम अभी इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, a और b का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कब निकलेगा, जब b इज इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए जब x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो b इज इक्वल टोटल 0 हो जाएगा, ये तो बचेगा सिर्फ a, तो देखिए पुट करें हम x इज इक्वल टू 0, तो वी गेट यहाँ पे तो 1, ये इसको a इंटू ये यहाँ पर 0 पुट करेंगे x, तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1 - 0, तो 1 - 0, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो 0, तो बचा a इज इक्वल टू वैल्यू आया आपका 1। इसी प्रकार जब एक b का वैल्यू निकालना है, तो हमको x इज इक्वल टू a को 0 करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू हमें पुट करना पड़ेगा हमें 1/2, तब ना 1 - 1/2 × 2 = 2 हो जाएगा, 1 - 1 = 1, टोटल 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 2, ठीक है। यानी आपका देखिए दिस पार्ट यानी आपका है, यानी दिस पार्ट ये जो था ना आपका, ये वाला इतना हो जाएगा, दिस पार्ट बिकम्स इक्वल टू दिस पार्ट। तो ए और बी का हमने क्या किया है, देखिए इतना इतना लिख दिया इक्वल, और ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया, तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, इतना लिख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन दोनों साइड लिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन आ गया। अब इसको दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन 1 upon x dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 dx upon 1 - 2x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए इसको लिख दिए इतना, तो अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो देखिए 1 - 2x को हमने जेड माना है, तो इसको जेड मान लिया, तो अब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2x dx, इसका डिफ्रेंशिएशन dx। तो देखिए माइनस साइन को अगर हम इस साइड ले जाते हैं, तो -dz हो जाएगा, और ये 2 dx हो जाएगा इक्वल टू -dz, ठीक है। तो आपका इसका देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, तो log x का लिखा गया यहाँ, और इसका देखिए इस इंटीग्रेशन के लिए 2 dx = -dz हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है 2 dx = -dz, पुट कर दिए इसमें यहाँ पे, इसको तो हम जेड माने, तो ये जेड, तो ये log x लिखा गया है, और इसका देखिए माइनस एंड बार है तो माइनस हो गया, और 1 upon z का इंटीग्रेशन log z लिख दिया, तो log x, अब z का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें z की जगह, तो log 1 - 2x विच इज इक्वल टू z, यानी z का वैल्यू आपका है 1 - 2x, ठीक है। यानी देखिए आपका इस पार्ट का आप जो है आपका ये वाला
फर्स्ट इंटीग्रेशन का आपका निकल गया है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने पर आपका कितना आएगा, देखिए इसको इंटीग्रेट किया जाएगा आपका इतना आएगा। अब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन है फोर, इसके लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट 1 - 2x को हमने जेड माना, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इतना हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर माइनस साइन को इधर लाया तो -2 को इधर लेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा -dz/2, ठीक। और यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो यहाँ ये -2x को इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और जेड को इधर लेंगे तो निगेटिव में, तो 1 - z हो जाएगा, ये +2x, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 1 - z = 2/2, यानी आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन यही ना है, यही इसी को इंटीग्रेट करना है, तो देखिए हम लिख दिए हैं इतना, तो x dx इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू आपका कितना है, इतना देखिए x का वैल्यू लिख दिए 1 - z/2 और dx का वैल्यू कितना है -dz/2, तो dx इक्वल टू -dz/2 उसको भी पुट कर दिया देखिए यहाँ पे, और इसको तो हम जेड माना है तो जेड यहाँ पर लिख दिया है ना, ठीक है। तो देखिए 2 2 = 1/4, माइनस साइन था तो -1/4 आ जाएगा और ये यहाँ बचेगा 1 - z/z dz, ठीक है। तो -1/z, अब हम क्या किए जेड से एक बार इसमें डिवाइड दिए हैं, तो ये इसमें डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 1/z, इसमें डिवाइड दीजिएगा तो बचेगा 1 dz, ठीक है। यहाँ पे तो -1/4 = देखिए अब इसको इंटीग्रेट करें तो -1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड, वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डिजेड, यहाँ पर डिजेड नहीं बचेगा, तो डिजेड का इंटीग्रेशन जानते हैं कि जेड होता है तो जेड, ठीक है। नाउ ये तो आपका माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए नाउ -1/4 यहाँ देखिए लॉग है, लॉग छूट गया था, यहाँ लिखना है लॉग, तो हम ऊपर में लिख दिए लॉग 1 - 2x, इसका प्लस जेड इजिकल टू 1 - 2x, तो 1 - 2x/4 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/4 लॉग 1 - 2x प्लस 1/4, इसमें अब डिवाइड दिए हैं एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये -2x/4, ठीक है। तो आपका सेकेंड इंटीग्रेशन यानी दिस पार्ट का इंटीग्रेशन जो है आपका कितना आ गया है, इतना आ गया है, यानी इंटीग्रेशन आई इक्वल टू फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कितना आया था, इतना लॉग एक्स माइनस लॉग 1 - 2x इतना है, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन ये वाला है, देखिए माइनस साइन, ये माइनस साइन जो था तो यहाँ माइनस साइन हमने दिया है, ब्रैकेट की यूज किए हैं इसके इंटीग्रेशन के लिए, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना है, -1/4 लॉग 1 - 2x प्लस 1/4 माइनस, यहाँ 2x बात है ना, तो कटेगा तो यह हो जाएगा x/2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ एक बार इसके लिए भी माइनस साइन था, एक बार यहाँ पर भी है, देखिए ये इस साइन यहाँ पे है आपका और ये साइन यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट के यूज किए हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स ये हो गया आपका लॉग एक्स माइनस लॉग 1 - 2x, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 लॉग 1 - 2x, ये माइनस हो जाएगा -1/4 माइनस साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1/4 ये माइनस माइनस प्लस यानी x/2 प्लस ही हो जाएगा। तो देखिए इस पार्ट को x/2 को पहले लिख दिए हम, ये लॉग एक्स को सेकंड में और इसको माइनस लॉग 1 - 2x प्लस 1/4 लॉग एक्स, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1/4 - 1 = -3/4 हो आएगा लॉग 1 - 2x, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल ना है, खाली आगे का कॉन्स्टेंट जो है डिफरेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट किया तो -3/4 आ गया और लॉग 1 - 2x प्लस सी आपका आंसर है, और 1/4 ये कॉन्स्टेंट सी के अंतर्गत आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये है, तो हमने क्या किया, गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, इसको इंटीग्रेट करना है तो नीचे वाले पार्ट से प्रत्येक टर्म में अलग अलग डिवाइड देकर सेपरेट इंटीग्रेशन कर लिया है, देखिए एक बार इसमें डिवाइड दिए, एक बार इसमें, इससे फिर एक बार इसमें, तो देखिए तीन आपका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फिर देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया था, 2 2 कैंसिल हो गया तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, और x³ को हम x² * x लिख सकते हैं, तो x² * x = x³ होगा dx / x² - 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है।
इसमें क्या किया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, इतना लिख सकते हैं हम। और इसमें देखिए इसको हम फिर एक्सपेंड कर दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पे एक्सपेंड हो गया ये। अब देखिए अभी इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए देखिए फॉर इंटीग्रेशन ऑन दिस पार्ट, इस पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं तो हम देखिए हम क्या करते हैं इसको, तो फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं इसके इसको, तो इसको इंटीग्रेशन के लिए देखिए फॉर इंटीग्रेशन दिस पार्ट लेट हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड मान लिया, ठीक है। देन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब यहाँ से हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस वन इस साइड आ जाएगा तो जेड प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन आई नाउ वन बाई टू, इसका हम वैल्यू पुट करते हैं इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना जेड प्लस वन, ठीक है। तो जेड प्लस वन पुट कर दिया और टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो डी जेड पुट कर दिया और इसको तो हम जेड माने था ये जेड लिख दिया, ठीक है। वन बाई टू कॉन्स्टेंट था तो उसको लिख दिया, तो वन बाई टू अब हम क्या जेड से इसमें दोनों में डिवाइड दिए हैं, अलग अलग डिवाइड दे दिए हैं, तो देखिए जेड बाई जेड अब प्लस वन बाई जेड डी जेड, ठीक है। अब हम क्या किया दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया है, तो ये जेड जेड कटेगा तो वन आ जाएगा, तो वन बाई टू इंटू वन डी जेड, और ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन अपॉन जेड डी जेड, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी जेड वन बाई टू जेड, ठीक है। इसका तो जेड इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन वन बाई टू लॉग जेड, तो वन बाई टू जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट कर दिया, इसमें भी जेड का वैल्यू पुट किया तो वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, इतना हो गया। यानी आपके फर्स्ट पार्ट का ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन आया आपका इतना, अब हमको दिस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले इस पार्ट को करने से पहले हम इस दिस पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। फॉर दिस पार्ट देखिए लेट इस पार्ट को वन इंटीग्रेंट को वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, दो फैक्टर है तो दो फैक्टर के रूप में ले लिए ए अपॉन एक्स माइनस वन। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो के जो शुरू वाले वीडियो है 19.13 का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर की है और सेकंड फैक्टर को भी लिए बी ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अब दोनों कैल्शियम लेते हैं तो इससे इसके साथ इससे इसके साथ नीचे में इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए इतना, तो ये पार्ट कटेगा आपका इक्वल है तो बचेगा इधर आपका वन, इधर बचेगा आपका ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू निकालना है हमको, ए का वैल्यू कब निकलेगा जब बी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तब ना बी इक्वल टू जीरो होगा, तो देखिए एक्स इक्वल टू वन पुट किए तो ए का वैल्यू आपका आ गया वन बाई टू आ गया। इसी प्रकार जब एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किए तब आपका बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई टू, ठीक है। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेंट जो है ये वाला पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए और बी का वैल्यू रख दिया हमने तो ए का वैल्यू वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन साइन ले लिया था, देखिए इंटीग्रेशन साइन लिए हैं तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, अभी माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया तो वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस वन बाई टू लॉग इस कंटिगेशन लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है। तो वन बाई टू अभी दोनों से कॉमन किए तो बचा आपका लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन, फॉर्मूला पे लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, फॉर्मूला आपको याद होगा। यानी आपका दिस पार्ट का इंटीग्रेशन आपका इस भाग का जो है इंटीग्रेशन जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट का टोटल का देखते हैं क्या आता है, वैल्यू पुट करते हैं तीनों का इंटीग्रेशन का। नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आपका इतना, सेकंड पार्ट का देखिए अगर आप इसको जेड मानते हैं नीचे वाला पार्ट को जेड, सेकंड पार्ट में देखिए इसको जेड मानते हैं तो ऊपर वाला जो है डी जेड के बराबर हो जाएगा, यानी वन अपॉन जेड इंटू डी जेड, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड वन बाई टू लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन अभी हम बताएं निकाले हैं वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तीनों का इंटीग्रेशन पुट कर दिया क्या क्या है अब देखिए, अब वन बाई टू इसमें हम डिवाइड दिए हैं टू से दोनों में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू। देखिए वन ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों इक्वल है तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है आपका कॉन्स्टेंट जुटेगा तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू आधा प्लस आधा इज इक्वल टू वन, तो वन लिख दिए
जरूरी नहीं है लिखना, लॉग हो जाएगा उसका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब ये वाला पार्ट लिखा गया 1/2 लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट को लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये 1/2 माइनस 1/2 जो है ये कॉन्स्टेंट सी के अंतर्गत आ गया, अब कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना। अब हम इसमें क्या करते हैं, 6x प्लस ऐड करते हैं, 6x प्लस 12 ऐड किए हैं तो माइनस कर दिए 6x प्लस 12, यानी जितना हम ऐड किए हैं इन दोनों को उतना ही घटा दिए, ठीक है। 6x प्लस 12 ऐड किए हैं तो 6x प्लस 12 जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, देखिए माइनस किए हैं, है ना। तो अब हम क्या कहें, नीचे वाले पार्ट से इस पार्ट में एक बार डिवाइड दिए और इस एक बार इस पार्ट में डिवाइड देते हैं। देखिए दो दो सेपरेट पार्ट कर लिए हम इसमें, एक बार इसमें डिवाइड दिया और एक बार इसमें डिवाइड दिया, लेकिन हमने सेकंड पार्ट में यहाँ देखिए क्या किए हैं, ये देखिए माइनस साइन था ना, तो माइनस साइन आपका आ गया यहाँ पे। यहाँ देखिए 6x प्लस 12 हमने क्या किया, इसमें 6 और ऐड किया है और 6 घटा भी दिया है, ठीक है। आगे में इसमें तो इसका देखिए ये तो कट जाएगा आपका, तो बचेगा सिर्फ dx, तो dx लिख दिया यहाँ पे, और माइनस 6x प्लस 12x प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, माइनस 6 इतना और लिख दिया हम, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इतना लिख दिया, ठीक है। अगर देखिए इसका इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं, नीचे वाले पार्ट से एक बार फिर से इस वाले पार्ट में डिवाइड दिए हैं, इस वाले पार्ट में डिवाइड दिए हैं और एक बार इसमें 6 में, तो देखिए क्या कहता है, तो माइनस 6 एक बार इसमें डिवाइड दे दिए, एक बार इधर दे दिए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। यानी इस वाले पार्ट से एक बार इसमें फिर एक बार इसमें डिवाइड दिए, तो ये माइनस साइन था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 अपॉन स्क्वायर 6x प्लस 12, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें से हम क्या करते हैं, ये तो x उतर गया माइनस, इसमें से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर 6x प्लस 12, इसमें से 6 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, और 12 को हम 9 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिखा जा सकता है। नाउ आगे देखिए ये 3 कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर दिए हम, अगर आप इसको जेड मानते हैं नीचे वाले पार्ट को टोटल को, अब इसको जेड मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा ये वाला पार्ट के बराबर हो जाएगा, समझ गए। यानी इस पार्ट को अगर आप जेड मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा ये इसके बराबर होगा, यानी ये जेड अपॉन डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसमें देखिए आगे क्या किए हैं, 6 तो बाहर कॉन्स्टेंट है, इसको देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर में है, ठीक है। यहाँ से हम एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना। तो अब देखिए इतना तो अगर जेड मानते हैं तो ये डी जेड हो जाएगा, यानी 1 अपॉन जेड, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड, यानी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। ये 3 था तो 3 माइनस 3 लॉग जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, और इसको देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया है, किस फॉर्म में है देखिए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका होता है फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला याद होगा आपको, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका जो है यहाँ पे तक जो है एक्स है और ये ए है, ठीक है। तो 1 अपॉन यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ये है आपका एक्स है और ये है जो है ए है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए, ए रूट 3 है ना, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो ए इक्वल टू रूट 3 है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये एक्स और ये, तो हमने फॉर्मूला पे जो है ये एक्स और ये है एक्स और ए, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए आपका रूट 3 प्लस ए। आगे देखिए एक्स उतर गया या आपका माइनस ये भी उतर गया आपका, यहाँ से देखिए 6 अपॉन रूट 3, तो ये सिंप्लीफाई होगा तो आपका आ जाएगा 2 रूट 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 3 प्लस ए, ठीक है। देखिए अब इसको हम 6 रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3 कैसे है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो
सिक्स को आप टू इंटू थ्री लिख सकते हैं इज बाई रूट थ्री, कितना इज इक्वल टू थ्री को हम रूट थ्री बाई रूट थ्री बाई रूट थ्री लिख सकते हैं। तो देखिए ये रूट थ्री कैंसिल, तो बचा आपका टू रूट थ्री, ठीक है। तो जो कि हम लिखे हैं रूट थ्री टेन इन बस एक्स प्लस थ्री अपॉन ए प्लस सी, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 24 है, इतना है आपका ये गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना। अब हम क्या किए हैं देखिए, वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, यानी सब मल्टीपल्स एंगल्स के रूप में हम इसको एक्सपेंड किए हैं, लिख दिए हैं फॉर्मूला में। तो वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, या वन प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। इन टू कोस एक्स का होता है फॉर्मूला आपका सब मल्टीपल्स में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। नाउ ये देखिए टू टू कैंसिल, बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कोस अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में चेंज हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया। और नीचे में देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू फॉर्म चले जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए ये तो बचा आपका ये पार्ट, तो लिख दिया हम वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू के बराबर है ना ये वाला, तो इसके ऊपर चला जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ना आपका इंटीग्रेशन आ गया है इस फॉर्म में आ गया। तो लेट टेन एक्स को एक्स बाई टू को हमने जेड माना है और इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई भी होगा कर दिए हैं इज इक्वल टू डिजेड। तो वन बाई टू को हम इस साइड लाएंगे तो टू डिजेड हो जाएगा, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू डिजेड। नाउ इंटीग्रेशन अब हम पुट करते हैं जेड का टेन एक्स बाई टू का वैल्यू। नाउ इंटीग्रेशन ये है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी जेड स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी वन माइनस जेड स्क्वायर टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू जेड, तो वन माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डिजेड, तो टू डिजेड पुट कर दिया हमने, ठीक है। टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन लिया जेड अपॉन टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर अपॉन इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर। अब हमने क्या किया देखिए, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में माइनस वन कॉमन कर लिया, यानी बाहर निकाला माइनस वन, तो माइनस बाहर निकाली तो माइनस टू हो जाएगा, और ये जेड जो था पहले आ जाएगा वन पीछे चला जाएगा, तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं माइनर चीज़ है, यानी माइनस ये आगे आ जाएगा ये पीछे आएगा, अगर जेड स्क्वायर आगे आ जाता है पॉजिटिव बन जाता है तो बाहर बाहर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। या आप यूँ कहिए माइनस इसमें से कॉमन किए हैं तो ये आपका माइनस यहाँ पे आ गया है, देखिए तो यहाँ आपका हो गया जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या किए, इसमें जेड स्क्वायर माइनस वन ऐड किया है तो प्लस भी वन ऐड किया है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी जितना वन ऐड किए तो माइनस वन सब्ट्रैक्ट भी कर दिए हैं अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, इतना डिजिट। अब हम क्या कहें इस वाले पार्ट से एक बार इसमें और एक बार इसमें डिवाइड दिए हैं, तो देखिए एक बार इसमें डिवाइड दिए हैं और एक बार वन में डिवाइड दिए हैं, वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड इतना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कट गया, तो बचा सिर्फ डिजिट बचा माइनस टू इंटीग्रेशन डिजिट। इसमें देखिए अगर हम फिर से माइनस कॉमन इसमें लेते हैं तो जेड पीछे चला जाएगा वन आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस कर दिए प्लस टू ये टू इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर डिजिट, ठीक है। यहाँ से माइनस का कॉमन कीजिएगा ना तो माइनस एक बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको टू ये वन माइनस जेड स्क्वायर डिजिट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का माइनस टू जेड डिजिट का इंटीग्रेशन जेड प्लस टू, इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो वन माइनस जेड इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, ये किस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पे एक्सपेंड हो गया ये ना। अब हमको इंटीग्रेट करना है, इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लेट इतना इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर के लिए ए, सेकंड फैक्टर के लिए बी, तो ए अपॉन वन माइनस जेड प्लस बी अपॉन वन प्लस जेड, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये इसके साथ ये इसके साथ नीचे में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, देखिए अब ये पार्ट आपका कैंसिल इक्वल है, बचा आपका इधर वन और इधर बचा आपका ए इंटू वन प्लस जेड प्लस बी इंटू वन माइनस जेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, तो जब ए का वैल्यू कब निकलता है बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी का वैल्यू करने के लिए हम जेड इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो आपका ए का वैल्यू आता है वन बाई टू, इसी प्रकार बी का वैल्यू आपका निकलता है वन बाई टू, यानी ए और बी का वैल्यू वन बाई टू, ठीक है।
नाउ आपका दिस फैक्टर बिकम्स ए अपॉन इतना बी अपॉन इतना, ए और बी का वैल्यू डाल दें, ए का वैल्यू 1/2 इंटू 1/1 z प्लस बी का वैल्यू 1/2 इंटू 1/1 z, ठीक है, यानी ए और बी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन आपका ये ना है, इंटीग्रेशन में देखते हैं इसी को ना जी इंटीग्रेट करना, देखिए इसी को ना, तो आपका इंटीग्रेशन यही ना है ये वाला। तो 2 से हम देखिए इसमें इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना ये वाला पार्ट इन दोनों को, तो ये लिख दिए हम इतना दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इतना, तो 2 इंटू, अब देखिए ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/1 z dz प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 z dz, तो ये 2 2 कैंसिल बचेगा 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 1 - z, लेकिन z का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 2 कैंसिल तो बचेगा 1, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग 1 + z, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, तो लॉग एम बाई एन फॉर्मूला पे लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, इतना हो गया। यानी इंटीग्रेशन आपका ये है, देखिए -2z प्लस इतना, इसका इंटीग्रेशन क्या आया है -2z, तो ये फर्स्ट का है, इसका इंटीग्रेशन आया है लॉग 1 + z अपॉन 1 - z प्लस से, यानी दिस पार्ट का इंटीग्रेशन आया आपका इतना प्लस से। नाउ आगे देखते हैं, देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो इसको आगे लिखते हैं और इसको पीछे लिखते हैं, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया प्लस से। अब हम क्या करते हैं, जेड का वैल्यू पुट करें, तो जेड इज इक्वल टू क्या है 10x/2 है ना, तो लिख दिया हम -2 10x/2 प्लस से। तो अब देखिए दिस पार्ट जो है इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x इज -2 10x/2 प्लस से। अब सेक एक्स प्लस 10x को जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जब आप सेक एक्स प्लस 10x को सब मल्टीपल एंगल्स के रूप में चेंज कीजिएगा, उसको वैल्यू चेंज कीजिएगा, तो आपका इतना बड़ा बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया है, ठीक है। मल्टीपल्स एंगल्स में आप कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, देखिए हम बताते हैं, sec x यानी sec x प्लस 10x, sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और 10x को sin x / cos x, इसका एलसीएम cos x हो जाएगा, और ये 1 + sin x। अब 1 + sin x और cos x, तो sin x का इक्वल टू क्या आता है 2 10x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, और cos x इज इक्वल टू होता है 1 - tan²x/2 अपॉन 1 + x²/2। वैल्यू पुट कीजिए sin x का 10 का फॉर्म में और cos x का, और फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका जो आएगा इस फॉर्म में आ जाएगा आपका इस फॉर्म में, समझ गए, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा इतना इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी sec x + 10 इज इक्वल टू 1 + tan²x/2 अपॉन 1 - tan x/2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इतना है, गिवन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, हम क्या करते हैं नीचे वाले पार्ट से एक बार 1 में और एक बार sin x में अलग अलग डिवाइड देते हैं, ठीक है, देखिए अलग अलग डिवाइड दिए हैं है ना। अब आगे देखते हैं हम, तो इसको अलग अलग डिवाइड दिए, तो यहाँ पर आपका sin sin कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 / cos x बचेगा, ये बचेगा इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं sin x का वैल्यू पुट करें, sin x का वैल्यू 10 के रूप में सब मल्टीपल एंगल्स होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, और 1 + cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos²x/2, ये सब आपको याद होगा फॉर्मूला, आप इजिली डाल सकते हैं, और इसमें देखिए 1 + cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos²x/2, ठीक है, इतना पुट कर दिया हमने, देखिए 2 2 यानी 1/4 हो जाएगा, और ये 1 + tan²x/2 ये sec स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, 1 + tan²x/2 जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये यहाँ देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, ठीक है, और ये 1 cos²x/2 है, तो ये ऑलरेडी जाएगा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 1 cos²x/2 जो टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स बाई टू, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिया हम इसके बदले, इसको हम क्या किए हैं ये वाला पार्ट को ऐसे ही रहने दिया 10x/2, ठीक है, 2 2 1/4 हो गया, इसको देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, ये 1 cos²x/2 जो टू sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx हो जाएगा, ठीक है, इतना 1/4। देखिए sec स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या करते हैं, या फिर यूँ कहिए इसको चेंज ना करके आप डायरेक्ट उसको ऊपर भेज दीजिए, देखिए 1 + tan²x/2 dx ऊपर आ गया, sec स्क्वायर एक्स टू इज इक्वल टू इतना अपॉन 10x/2, इसको sec स्क्वायर एक्स बाई टू dx,
डीएक्स शूट रहा है इसमें, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन बाई टू, टू से वन बाई टू से डिवाइड देंगे तो टू आ जाएगा, ठीक है। वन बाई टू से टेन एक्स बाई टू में डिवाइड दीजिएगा तो टू है ना बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा प्लटे का। तो नाउ वन बाई फोर, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये पार्ट इतना आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम क्या करते हैं, देखिए इतना टेन एक्स बाई टू को जेड मानते हैं, देन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाता है इक्वल टू डिजिट, लेकिन एक्स कोएफिशिएंट क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू से डिवाइड भी देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सॉरी, ठीक है। तो यह डिजिट हो जाएगा, तो वन बाई टू इधर से डाएगा तो टू हो जाएगा इधर, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डिजिट डी एक्स इक्वल टू टू डिजिट। नाउ आपका देखिए वन बाई फोर लिख दिए, वन प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स बाई टू इक्वल टू जेड है, तो वन प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा ये जेड, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डिजिट, तो पुट कर दिया हमने, यानी अब इसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टू टू कटेगा, तब का यहाँ से बचेगा टेन एक्स बाई टू, बचेगा टेन एक्स बाई टू बचा है प्लस से, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या किए हैं, जेड से इसमें डिवाइड दे रहे हैं दोनों में, तो बचेगा जो वन अपॉन जेड आएगा, इसमें एक कटेगा जेड, तो बचेगा आप सिर्फ जेड डिजिट। अब इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन जेड डिजिट प्लस वन बाई टू जेड डिजिट प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस से, ठीक है इतना। इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड, इसका इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई टू प्लस से, यानी जेड का वैल्यू पुट कर दिए, जेड इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू लिख दिए, ये जेड स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इतना लिख दिए लॉग टेन एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, इतना लिख दिया हम प्लस टेन, इसको यहाँ लिख दिया प्लस से, इसको यहाँ लिख दिया। अब देखिए अब एक बटा चार से हम क्या करें, एक बार एक से स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करें, एक बार माइनस वन में, देखिए किए हैं दो दो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर बाहर ला लिया, प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस से वन बाई टू ये लिख दिया। अब एक बटा चार सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू ए प्लस टेन एक्स बाई टू ए माइनस वन बाई फोर जो है कॉन्स्टेंट सी के अंतर्गत आ गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट के इक्वल है, यानी क्वेश्चन नंबर रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑलरेडी सॉल्व किया गया है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।